देखिए आप लोग समान पर हम फिर 13.3 लाए हैं, क्लास 9 का 13.3 है यार। इसमें दिया है पहला नंबर क्वेश्चन है, शंकु का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो उसका आधा करने पर त्रिज्या निकल जाता है। त्रिज्या निकाल दिया, आर बराबर 10.5/2 हो जाएगा। इतना ही रोकना पड़ेगा क्योंकि कटाने में आसानी पड़ेगी। अगर आप दशमलव लाइएगा तो 5.25 आ जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, लेकिन ऐसे है तो कटाने में आसान पड़ेगा। आगे बढ़िए, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एल दे दिया है आपको, व्यास दिया हुआ था, व्यास दिया था तो उससे त्रिज्या निकाल लिया। निकाला क्या आपको, शंकु का वक्र पीठ क्षेत्रफल निकाला। तो शंकु का वक्र पीठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर होता है। पूरा सूत्र जो है साइन में लिख दिया, आप देख दीजिएगा, इस पर हम बता भी रहे हैं अभी। तो उसके बाद पाई का मान 22/7 लीजिएगा, गुना आर का मान आया है 10.5/2, अब गुना 10 त्रिज्या ऊंचाई है एल बराबर, रख लीजिएगा 2 से 22 को कटा दीजिएगा, 11/8 में कट जाएगा, 7 से ही कट जाएगा, 7 = 7.75, 7 × 10 = 7 जाएगा, 3 बजेगा 35 हो जाएगा, 5 के पहले 3 लग जाएगा, तो ये हो गया आपको 7 × 35 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, 11 × 1.5 × 10 गुना कीजिएगा, 165.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी को दशमलव बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। शंकु का वक्र पीठ क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका आंसर होगा। अब समझिए नीचे जो होता है शंकु में क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त उसकी क्या होगी, व्यास होगा और उसका आधा कर देने पर रेडियस होगा। जैसे साइकिल का पहिया होता है उसमें 2 स्कूप मिलेंगे, तो दोनों स्कूप मिलाने पर क्या होगा, एक सीध में एक लाइन में वो व्यास होगा आपका, और एक स्कूप जो हो जाएगा वो आपकी त्रिज्या होगी। अब आइए प्रमुख सूत्र है शंकु का, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr² h होता है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h। शंकु का वक्र पीठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पीठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल का मतलब हो गया इसका होता है पाई आर एल, इसका पाई आर एल होता है, और नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, वृत्त है ना, वृत्त इसका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल बराबर हो जाएगा आपको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को आप जो या कॉमन भी ले सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ऐसे पाई आर कॉमन हो गया, दोनों में आ रहा है पाई आर, दोनों में आया कॉमन लिख दीजिए, इसमें एल बचेगा एल लिख दीजिएगा प्लस आर, इसमें तो डबल है एक बार बन जाएगा कॉमन हो गया, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर भी बोल सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई जो होती है एल बराबर अगर निकलेगा, अगर एक नहीं दिया हो ऊंचाई और आर दिया हो त्रिज्या दिया हो तो आप त्रिज्या ऊंचाई एल निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालिएगा, रूट अंडर करके, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। उसी तरह अगर ऊंचाई निकालना हो, त्रिज्या ऊंचाई दिया हो, एल दिया हो और आर दिया हो, एच नहीं दिया हो तो एच निकाल सकते हैं आप, एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर शंकु की त्रिज्या आर नहीं दिया हो तो आप एल दिया होगा एच दिया होगा निकाल सकते हैं एल स्क्वायर घटाओ एच स्क्वायर। अभी एल का मतलब होता है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, एच बराबर होता है शंकु की ऊंचाई और आर बराबर होता है शंकु के आधार की त्रिज्या। तो बस यही है, इतना ही।